हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि बीपीएल राशन कार्ड की जो सूची है वो जारी हो चुकी है और मैंने दोपहर को वीडियो के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड की नई सूची आ गई है, आप अपना राशन कार्ड चेक कर लीजिए बना हुआ है या नहीं। दोस्तों उस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपने इतनी कॉमेंट की कि हमारा एस बीपीएल बन चुका है, कोई कह रहा है कि हमारा बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना। और दोस्तों जिसका राशन कार्ड नहीं बना उनके मन में डर, कंफ्यूजन और भय पैदा हो गया है कि हमारी इनकम तो 1,80,000 से कम है और हमारा राशन कार्ड का जो करंट स्टेटस है वो एलिजिबल है लेकिन राशन कार्ड नो दिखा रहा है, यानी राशन कार्ड नहीं बना हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपके मन में जो डर और कंफ्यूजन पैदा हो गया है उसे जड़ से खत्म कर देते हैं। लेकिन तो आपको भी इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, पूरा देखना होगा। तो दोस्तों आज मैंने दोपहर को वीडियो बनाने के बाद लगभग 50 से 60 फैमिली आईडी चेक की रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस ऑप्शन के माध्यम से कि उनका राशन कार्ड बना है या नहीं। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट उन फैमिली आईडियो को देखा कि उनका राशन कार्ड बन चुका है या नहीं, नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। सभी मैंने फैमिली आईडिया देखी, लगभग 50 से 60 फैमिली आईडिया मैंने चेक की और दोस्तों रिजल्ट जो आया वो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। दोस्तों अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस ऑप्शन का, जिसमें अपनी फैमिली आईडी डालकर आप यहां तक आ पाएंगे फैमिली आईडी लॉगिन करके। और दोस्तों वहां पर आपको एक वीडियो भी मिलेगी जिसके माध्यम से आप ये भी सीख पाएंगे कि आप यहां तक कैसे आ सकते हैं। यहां पर आपको अपनी फैमिली आईडी को लॉग इन करना होगा परिवार पहचान पत्र की साइट पर आकर, और जैसे ही यहां पर आ पाएंगे तो आपको जब आप नीचे आएंगे तो दोस्तों अब आपको मैं समझा देता हूं कि जो मैंने चेक किया है आज दोपहर के बाद लगभग 3-4 घंटे मैंने दोस्तों फैमिली आईडियो को देखा है और देखने के बाद ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए बनाई है। और जिनका अब राशन कार्ड बना है या जिनका राशन कार्ड एलिजिबल होते हुए भी नहीं बना है दोस्तों उन्हीं के लिए वीडियो है। उनको जो कंफ्यूजन है या डर उनके मन में पैदा हो गया है कि अब हमारा राशन कार्ड बनेगा या नहीं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। दोस्तों एक ये फैमिली आईडी आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको दोपहर को भी दिखाई थी कि इस फैमिली आईडी का जो स्टेटस था पहले यहां पर करंट, यानी जो इस फैमिली आईडी का स्टेटस था वो एलिजिबल था और दोस्तों राशन कार्ड था वो नो यानी बना हुआ नहीं था, यहां पर नो लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था और दोस्तों एक्सक्लूजन भी नहीं था। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस फैमिली आईडी का जो राशन कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, इस फैमिली आईडी का जो राशन कार्ड है वो एसबीपीएल यानी पीला बनाया गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अगली फैमिली आईडी पर आपको ले चलते हैं। दोस्तों यहां पर आप एक फैमिली आईडी देख पा रहे हैं, इसकी जो इनकम है वो 75 से 1 लाख वेरीफाई है और इसका जो राशन कार्ड है इसका भी एसबीपीएल बन चुका है। दोस्तों इसका भी कल लगा लीजिए या आज लगा लीजिए, इसका जो राशन कार्ड है वो जारी हो चुका है। अब दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं कोई एक्सक्लूजन नहीं है इसलिए फैमिली आईडी एलिजिबल है। दोस्तों अब जब आप नीचे आएंगे तो इस फैमिली आईडी में इनकम आप देख सकते हैं, इनकम है 1,00,000 से 1,40,000, कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं जब आप नीचे आएंगे तो फैमिली आईडी में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है और इनकम भी 1,80,000 से कम है, यानी इनकम है 1,00,000 से 1,40,000, यानी 1,80,000 तक या उससे कम ही है। दोस्तों अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस फैमिली आईडी का जो स्टेटस है वो नो है, यानी राशन कार्ड बना हुआ नहीं है और फैमिली आईडी एलिजिबल है। यानी दोस्तों फैमिली आईडी तो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है, इस फैमिली आईडी का राशन कार्ड बनना चाहिए लेकिन जो राशन कार्ड का स्टेटस है कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो कौन सा बना हुआ है, वहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं इस फैमिली आईडी का राशन कार्ड क्यों नहीं बना। आपको लग रहा होगा कि अगर आपका स्टेटस एलिजिबल है, इनकम भी कम है और अब आपका लिस्ट आने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बना तो आप यह सोच रहे होंगे कि अब हमारा राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जो लिस्ट जारी हुई है नई बीपीएल राशन कार्डों की, ये लिस्ट जारी हुई है 1 लाख तक, यानी जिसकी भी इनकम 75 से 1 लाख तक वेरीफाई है उनकी लिस्ट जारी हुई है और जिसकी भी इनकम 1,00,000 से लेकर 1,80,000 तक
वेरीफाई है, उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है जिनका भी इलिजिबल है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिस फैमिली आईडी की इनकम इस स्लॉट से लेकर, यानी आप देख सकते हैं 1,00,000 से 1,40,000 वेरीफाई है, इस स्लॉट से लेकर जिस भी फैमिली आईडी की इनकम 1,40,000 से 1,80,000 के स्लॉट तक वेरीफाई है, यानी जिस फैमिली आईडी की इनकम 1,00,000 से लेकर 1,80,000 तक वेरीफाई है उनका राशन कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिनका भी यहां पर आपको राशन कार्ड करंट स्टेटस इलिजिबल दिख रहा है। अभी तक जो राशन कार्ड जारी हुए हैं जिसकी इनकम 75,000 से 1,00,000 तक वेरीफाई है, उन्हीं के राशन कार्ड जारी हुए हैं, जो लिस्ट अब जारी हुई है उसके अंदर। अब दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आप ये भी देख सकते हैं इस फैमिली आईडी के अंदर कोई भी एक्सक्लूजन रीजन आपको नहीं दिख रहा होगा। अब दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो ये जो फैमिली आईडी है इसमें भी आप देख सकते हैं राशन कार्ड नहीं बना है। और दोस्तों ये जो मैंने फैमिली आईडी का रिपोर्ट एक्सक्लूजन के अंदर आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये लगभग मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही निकाला है। आप कहीं सोच रहे हो कि ये पहले का है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मैंने लगभग 50 से 60 फैमिली आईडिया रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस ऑप्शन के माध्यम से चेक की हैं, और उन सभी फैमिली आईडियो को चेक करने के बाद आपको मैं ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं। तो दोस्तों इस फैमिली आईडी की भी वही समस्या है, इसका राशन कार्ड इसलिए नहीं बना है क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 1,80,000 से अधिक है, और दोस्तों राशन कार्ड बने हैं 1,00,000 तक। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक फैमिली आईडी को, इसकी जो इनकम है वो 75,000 से 1,00,000 वेरीफाई है, राशन कार्ड करंट स्टेटस भी इलिजिबल है, लेकिन राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऐसी जो फैमिली आईडियां हैं, आपको 100 फैमिली आईडियों पर एक ऐसी फैमिली आईडी मिलेगी जिसमें ऐसा केस होगा कि जो इनकम है वो 1,00,000 से कम है या 1,00,000 तक है, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो ये लिस्ट जारी हुई है वो मैं आपको बता दूं 1,00,000 तक जारी हुई है, यानी 75,000 से 1,00,000 तक जिसकी इनकम है उसकी जारी हुई है, और जिसकी इनकम 1,00,000 से 1,80,000 तक वेरीफाई है उसकी अभी नई लिस्टें नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम 1,00,000 से कम है और आपका राशन कार्ड जो स्टेटस है वो इलिजिबल है, फिर भी आपका नाम नहीं आया, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसा भी यहां पर हुआ है कि जिसकी इनकम 1,00,000 से कम है लेकिन आपका नाम सूची में अभी नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही कम केस हैं, यानी 1-2% ही ऐसे केस हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना। लेकिन दोस्तों इन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, इनका भी नाम जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा, और दोस्तों जैसे ही सूची जारी होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों आशा है कि अब आप बात समझ गए होंगे। दोस्तों यहां पर एक्सक्लूजन भी आप देख सकते हैं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जो इलिजिबल राशन कार्ड है और जिसकी इनकम 1,80,000 तक वेरीफाई है उन्हें किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी का जो राशन कार्ड है वो जारी होगा, और दोस्तों कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका राशन कार्ड इलिजिबल होने के बावजूद न बने। लेकिन दोस्तों बाद में आपकी फैमिली आईडी में कोई एक्सक्लूजन ऐड हो जाता है या आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है वो तो बात अलग है, लेकिन आपकी फैमिली आईडी में कोई भी एक्सक्लूजन रीजन नहीं होता है और आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 तक अगर वेरीफाई होती है तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड स्टेटस इलिजिबल है और राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो जल्द से जल्द बन जाएगा, और जैसे ही उनकी लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखी होगी तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और दोस्तों अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। और दोस्तों अगर आप एक ऐसी फैमिली आईडी हैं जिसकी इनकम 1,00,000 से अधिक है और राशन कार्ड बन गया, और अगर आप एक ऐसी फैमिली आईडी हैं जिसकी इनकम 1,00,000 से कम है, यानी 1,00,000 तक या 1,00,000 से कम है और आपका राशन कार्ड नहीं बना इस प्रकार, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आशा है अब आपके मन में जो डर है या जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा। अगर दूर हो गया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका राशन कार्ड का करंट स्टेटस इलिजिबल दिखा रहा है तो आपका राशन कार्ड जरूर बनेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी
मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए और उस वीडियो को आप देख पाएं, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।